सरोज के घर तक छोड़कर अभी आ रहा है। ठीक है विजय, ठीक है जाओ जाओ सरोज। कहो ऐसा करो क्या, मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं बाबूजी, ठहरो। क्यों नहीं, अब मैं अकेली नहीं जाऊंगी। मैं कुछ और तुमसे कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बोलो। सुनो, कहना क्या चाहती हूँ। कहो जो भी। मुझे छोड़ करके चले जाओगे? हाँ। नहीं, ये नहीं होगा। अरे दिल के लुभाने वाले जरा मुस्कुरा के जाओ। बेटा हूँ, आप ये मुझसे कैसी बातें करती हो? मैं समझ गई बाबूजी। हाँ, यूं ही क्योंकि मैं गरीब घर की बेटी हूँ ना। हाँ, इसीलिए मेरे साथ प्यार नहीं कर सकते हो ना। यदि मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो तो क्यों मेरी लाज बचाए थे सरोज? हाँ, आप गरीब और अमीर की बात करके मेरा दिल दुखा दिया। तुम्हें मालूम है क्या कि अगर मैं तुमसे प्यार कर लूंगा तो ये समाज के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे हमारा तुम्हारा प्यार। इसीलिए अपने खुद से नहीं इस समाज से डरता हूं। और इसमें अमीर और गरीब की बात नहीं है,
प्यार तो सबका एक जैसे होता है बाबूजी, प्यार बरोबर होता है, प्यार प्यार होता है, प्यार करने में गरीब और अमीर नहीं लगता बाबूजी। यदि मुझे ठोकर देना है तो क्यों मुझे बचाए थे, मुझे कुछ भी होता मैं जीती या मरती ही। और उस परम पिता परमेश्वर की मैं सौगंध खा के कहती हूँ, हाँ, यदि मुझसे प्यार नहीं करोगे ना तो मैं यही भी अपनी जान दे दूंगी फांसी लगाकर, मैं किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगी। नहीं, मुझे नहीं मालूम था कितना बेहद इतना ज्यादा मुझसे प्यार करती हो, मेरे प्यार के लिए तुम अपनी जान दोगी, कभी नहीं ऐसा हो सकता। सरोज मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर ये विजय उस परमपिता परमेश्वर की कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक जिंदगी रहेगी तब तक जीते जी तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। ये बात। लेकिन सरोज तेरे मेरे बीच में, हमारे तुम्हारे बीच में, हाँ तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, बंधन अनजाना पहले नहीं जाना। मुनीलाल बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई लंबरी, और साला बेइज्जती किया और मारा पीटा भी बहुत। एक बात बताए, सबसे ज्यादा पहलाई की ही सिवा मुल्ला वही साला खतरनाक था। अरे समझ ले, अब मैं क्या करूं, और अब
अगर साले मिल गए ना तो इनके इतना मारेंगे, इतना दोनों मिलके मारेंगे कि साला मुल्लागिरी भूल जाएगा। अगर बाप का नाम रोशन करना है तो थोड़े चौरा नहीं चोरना। चलो लेकिन मुन्नी लाल एक काम करना होगा, पिताजी के पास चलना है। पिताजी के पास का ऐसी चली होगा नहीं यहाँ लात घूंचा बे तुम्हार बाप खुद लात घूंचा कह दे। हम बताए तुम अपन खोपरी फोड़ ले और हम अपन हाथ तोड़ ले। ये भी बात सही है। दिमाग मेरा पैसा तुम्हारा। पिताजी तभी यकीन मानेंगे। हाँ नहीं वो भी बहुत शक्ति आदमी है समझ लो। ठीक बताना। अब अगर बाप का नाम रोशन करना है तो झूठ नहीं बोलना। और यह ना कहे कि वह सरोज का छेड़ित रहा, कहते वो लड़की मुझको पसंद आ गई, मैं सोचता था इसके साथ शादी कर लूं पिताजी तो तुमको बहू मिल जाए रोटी खा पानी के लिए। ये सब लहा वहा के मारना है भला। हाँ ठीक है, मैं बात करूंगा, तू भी बात करते रहना, बात बनाते रहना। ठीक है और चलते हैं। ये बता देना कि वो विजय विजय और जो उसका वो है का नाम अनवर कह देना साला पल भर मारा हमको और कह देना वो कर दिया। मैं बता दूंगा एक्टिंग करना बढ़िया। मैं कह दूंगा मेरा हाथ तोड़ दिया है। हाँ ठीक मेरा हाथ तोड़ दिया। चलो ठीक चलो पिताजी बैठे होंगे। आपके पास आया हूं पिताजी, मैं कुछ कहने के लिए, कुछ बताने के लिए। पिताजी मैं स्कूल गया था पिताजी, और स्कूल में बहुत सारी लड़की थी लेकिन एक लड़की मुझे पसंद आ गई पिताजी, उसका नाम सरोज। तो पिताजी मैं ये सोच रहा था कि पिताजी हमारे समय से ड्यूटी जाते हैं और कभी खाना खाते हैं कभी नहीं खाते, समय से उन्हें खाना भी नहीं मिलता। तो मैं सोच रहा था पिताजी सरोज के साथ शादी कर लूं और आपको बहू मिल जाएगी, समय से खाना पीना आपको मिलेगा। और अचानक सरोज नाम की लड़की मैं उसे मोहब्बत करने लगा और ये सोचा मेरे पिताजी समय से ड्यूटी जाते हैं कभी खाना खाते कभी नहीं, इसके साथ अगर मेरी शादी हो जाएगी तो हमारे पिताजी को खाने पीने का समय से मिलेगा। अच्छा इसका मतलब
कि अभी तक हम भूखो मरते थे। नहीं पिताजी, भूखो तो नहीं मरते थे आप, लेकिन मैं भी नहीं रहता हूँ, तुम ही खाना पीना बनाते हो पिताजी, और तभी मैं भी खाता हूँ। लेकिन इतने में पिताजी एक विजय नाम का लड़का आ गया और उसने मुझे बहुत मारा पीटा, मेरा सर फोड़ दिया और इसका भी मुन्नी लाल का भी हाथ तोड़ दिया। विजय और अनवर, अनवर उसका दोस्त है पिताजी, बहुत पिटाई किए और तुम्हें भी उसने भला बुरा बहुत कहा कुछ। अरे मंत्री जी आपको गाली दिया। अब हमें समझ में ये बात आ गई कि अब हमारा बेटा हमारा नाम रोशन कर रहा है। अरे अबे कहा तक मोरे साथ आऊ तो रहे महीना दो महीना तुम्हारा नाम क्या हुआ बोल साफ साफ बता। उसने कहने लगा अबे जा शेर सिंह मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, चाहे अपने बाप से बता देना, अपने बाप से उससे साले कमीने से कह देना। हाँ कुत्ता बोला है, बोला है कह देना हराम जादे अपने बाप कुत्ते से। कहने लगा मेरे यहाँ नौकरी करता है, अगर मैं अपने भैया अजय से कह दिया तो तेरे बाप की नौकरी छूट जाएगी और तेरा बाप और तू लेकर के कटोरा सड़क में भीख मांगोगे। क्या क्या उसने नहीं कहा पिताजी, मुझे बताने में शर्म लगती है। अगर मैं चाह लूं तो अपने भाई से कह करके तेरे पिताजी को नौकरी से निकाल दूं, तेरा पिता और तू साले तुम दोनों का साले भीख मांगोगे भीख। आप पिताजी ऐसे ही बोल रहा था। एक काम करो, मैंने कहा साले मेरे मंत्री जी को गाली नहीं दी ले ना। अरे बाप रे भाई के मिरोर दिया, तोड़ दिया बिचारे का, इसका हाथ तोड़ दिया। एक काम करो। हाँ पिताजी। तुम दोनों जाओ अस्पताल में अपना इलाज करो। जाओ अस्पताल न जाइबे, हमका दोनों जन का बिलाग भेज दिया। अबे बिलाग तो कोई भैंस है क्या जो बिलाग जाएगा? मैं डॉक्टर जाऊं है चीटिंग नान नान सुई लगावत है देर में ठीक होई बे, वैसे बिलाग में चली यो लंबी सलाई वाली सुई लगवावा जाए दो मिनट में ठीक हो जाइबे। पिताजी कह रहे ना अस्पताल जाने के लिए, चलो सब जाओ। लेकिन सारे आदमी जाओ और अपना इलाज करवाओ। जाओ ठीक है पिताजी। इस अपमान का बदला जरूर लेना पिताजी। तुम जाओ 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 जाओ। जाओ, जाओ, जाओ। इसका मतलब कि मेरा बेटा शेर सिंह थोड़ी सी गलती किया और थोड़ी सी गलती करने के बाद विजय सिंह के इतनी दिल में अलालसा पैदा हो गई कि मुझे नौकरी से निकाल देगा तो बाप और बेटा कटोरा लेकर सड़क में भीख मांगेंगे। नहीं विजय नहीं, तेरे दिल में इतनी बड़ी लालसा कि तू मुझे नौकर से बेदखल कर देगा और मैं भी वादा करता हूं और कसम खा के कहता हूं अगर मैं तेरी जिंदगी से बेदखल दुखना कर दिया तो मेरा विक्रम सिंह नाम नहीं। तू आज बाय करो की बात, मैं तेरे पास आ रहा हूं।